हेलो बच्चों, हम पढ़ने जा रहे हैं अपना हिंदी का अध्याय 2, जिसका शीर्षक है बादल को गिरते देखा है, तथा इसके कवि हैं श्री नागार्जुन जी। अध्याय शुरू करने के पहले हम परिचय देख लेते हैं। यह कविता नागार्जुन के कविता संग्रह युगधारा से संकलित है। इसमें कवि ने बादल व प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया है। बादल को गिरते देखा है कविता में बादल की प्रकृति के बारे में कवि का अपना चिंतन है व उन्होंने अपने अनुभव की सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है। व्याख्या शुरू करते हैं। अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। प्रसंग हमारा रहेगा, इस पद्यांश में कवि वर्षा के आगमन का वर्णन कर रहे हैं। व्याख्या, कवि वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने धवलगिरी की चोटियों पर छाए घने बादलों को देखा है, अर्थात हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी रहती हैं तथा उन बर्फ से ढकी एकदम सफ़ेद चोटियों पर घिरे हुए बादलों की सुंदरता को कवि ने खूब देखा है। हिमालय की जो चोटियां हैं बर्फ के कारण सफ़ेद दिखाई दे रही हैं और धूप के कारण उज्जवल दिखाई दे रही हैं। उन पवित्र चोटियों पर घिरे बादल बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। छोटे छोटे ओस की बूंदें मोतियों के समान दिखाई दे रही हैं, मानसरोवर के सुनहरे रंग के कमलों पर गिर रही हैं तो वह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। वे सुनहरे कमल और अधिक सुंदर और मनोहर हो जाते हैं तथा कवि कहते हैं कि उन्होंने इस सौंदर्य को जी भर के देख लिया है। विशेष में हम देखेंगे प्राकृतिक के अनुपम सौंदर्य का वर्णन किया गया है तथा अनुप्रास अलंकार व उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में मधुरता व लयात्मकता है। दूसरी व्याख्या देख लेते हैं। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आ आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिस्तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर नील सलिल का अर्थ है नीले रंग का पानी, बिस्तंतु का अर्थ है कीड़े मकोड़े। प्रस्तुत पद्यांश में पर्वतीय प्रदेश में बादलों के घिरने पर वहाँ की झीलों में तैरते हुए हंसों के सौंदर्य का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। व्याख्या, हिमालय कवि कहते हैं कि हिमालय की ऊँची ऊँची चोटियों के मध्य अनेक छोटे बड़े कई स्वच्छ झीलें हैं। उन झीलों पर बहने वाला जल एकदम पवित्र और नीला है। उस नीले निर्मल जल में पावस ऋतु की गर्मी और घुटन से दुखी हंस तैरते दिखाई देते हैं। ये हंस समतल देशों की गर्मी से व्याकुल होकर हिमालय की ठंडी झीलों में उगे कमलों के खट्टे मीठे तंतुओं का स्वाद लेने की इच्छा से इन झीलों में चले आते हैं, अर्थात ये हंस छोटे कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं तथा जो कवि हैं वो हंसों को तैरते हुए तथा बादलों को घिरते हुए देख रहे हैं। विशेष, संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हम अगली व्याख्या देखते हैं बच्चों। ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकवी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे सैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह झिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। यहाँ पर बालारुण का अर्थ है उगता हुआ सूरज, श्यामल का अर्थ है कृष्णवर्ण तथा मृदु का अर्थ है कोमल, विरहित का मतलब है विरह से पीड़ित, अभिशापित अर्थात जिसे शाप मिला हो, क्रंदन अर्थात
दुख भरा रुदन। इस पद में कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का अनूठा वर्णन किया है तथा प्राकृतिक जीवों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा है ये भी वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के कारण वातावरण मनोरम हो उठा है, सूर्योदय का समय है तथा वायु मंद गति अर्थात धीमी गति से प्रवाहित हो रही है। उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। एक दूसरे से बिछड़ने और अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप जिससे मिला है, वे विवश चकवा चकवी पक्षियों का दुखमय रुदन प्रातःकाल के आगमन से ही बंद हो गया है। उस सरोवर के किनारे हरी भरी घास देख ऐसा लगता है मानो हरी दरी किसी ने बिछा रखी हो। ऐसे में घिरते हुए बादलों को और चकवा पक्षी को प्रेम क्रीड़ा करते हुए कवि ने देखा है। विशेष प्रकृति के सौंदर्य का सजीव चित्रण किया गया है। भाषा में माधुरी गुण और प्रवाह है। अनुप्रास अलंकार तथा संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगली व्याख्या देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलक नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। दुर्गम का अर्थ है यहाँ पर जहाँ कठिनाई से पहुँचा जाए, अलक जिसे देखा ना जा सके तथा परिमल का अर्थ है खुशबू या फिर सुगंध। कवि ने इस पद्यांश में कस्तूरी मृग का वर्णन किया है। व्याख्या, कवि कहते हैं कि उन्होंने वर्षा के आगमन की सूचना देते हुए काले बादलों को घिर घिर कर आते देखा है। सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई घाटी जहां तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसी दुर्गम जगह पर अपनी ही नाभि में छिपी हुई कस्तूरी की सुगंध से उन्मादी होकर मृगों को इधर उधर दौड़ते हुए कवि ने देखा है, कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। विशेष अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है तथा भाषा संस्कृत निष्ठ है। मैं आशा करती हूँ बच्चों जो आज हमने पढ़ा वो आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।